सोलन में फिलफोर्ट क्लब द्वारा राष्ट्रीय स्तर की नाट्य और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से आए करीबन 500 कलाकार इस प्रतियोगिता में भाग लेने सोलन पहुंच चुके हैं और अपने प्रदेश की संस्कृति से उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित कलाकार नाट्य और नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं। प्रतियोगिता में 15 के करीब लघु नाटिकाएं, पारंपरिक नृत्य एवं भारतीय संस्कृति को समर्पित मॉडलिंग का मंचन किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए क्लब के पदाधिकारी ऋषिमधर सूद ने बताया कि सोलन में देश भर से करीब 12 राज्यों के 500 के करीब कलाकार इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति से दूर कर उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है, ताकि जो भारत की समृद्ध संस्कृति आज लुप्त होने की कगार पर है, उसे फिर से नया जीवन मिल सके। फिलफोर्ट के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया डांस ड्रामा कंपटीशन, जो कि 32वें साल में प्रवेश कर चुका है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हर साल जो है वो टीमों का संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। डांस ड्रामा कंपटीशन में 15 के करीब जो है वो हमारे पास इस बार वन एक्ट प्लेज हैं। ये सही है कि हमारे पास ऑडिटोरियम की कमी है, लेकिन फिर भी फिलफोर्टियंस का जो जज्बा है काम करने का और जो अपनी संस्कृति को बढ़ाने का जो एक इरादा है, उसके ऊपर हम धीरे धीरे अपने सख्त पक्के कदमों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने झांकी देखी, अगर आपने शाम को 5 बजे के बाद नृत्य की श्रृंखला देखी, तो आपको पूरे भारत के दर्शन जो है वो यहाँ हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अंतिम दिवस में हमारी भारतीय जो परंपरा के हिसाब से जो हमारी पोशाक है उसका एक बहुत हाईलाइटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें सभी तरह के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनका मेला और उनकी फैशन जो वॉक है वो की जाती है।